प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने संक्रमण को पूरी तरह नियंत्रित भी कर रखा है। जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे वे भी अब नेगेटिव हो रहे हैं। प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं और अब बाजारों और उद्योगों के व्यवसाय पर कोरोना संकट का ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। ये सभी कदम प्रदेश सरकार ने बेहतरी के लिए उठाए हैं, ये कहना है वीरेंद्र कश्यप का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ही आज हिमाचल सुरक्षित माना जा रहा है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व के कारण हिमाचल कोरोना काल में भी सुरक्षित है और एहतियातन कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए। वे सभी सरकार द्वारा जिला प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उठाए गए हैं, जो कि काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि जो छात्र और हिमाचल वासी लॉकडाउन के तहत बाहरी राज्यों में फंस गए थे उन्हें भी हिमाचल लाया जा रहा है, जिन्हें वापसी लाना प्रदेश सरकार का दायित्व है, लेकिन इस घड़ी में अब ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो भी हिमाचलवासी बाहरी राज्य से आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। इस मौके पर किसी भी तरह की चूक संभव नहीं है और ना ही होनी चाहिए। देखिए, ये तो बात ठीक आपने कही कि कोरोना वायरस की वजह से आज सारा विश्व आतंकित है और हमारा देश भी उसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, पर हमें थोड़ा संतोष है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जिसने फ्रॉम द डे वन जिस तरह के निर्णय श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने लिए, वो लगता है कि आज हमारे सामने वो स्थिति बेहतर स्थिति बनकर आई है। आज हम अगर देखते हैं कि कुल हमारे लगभग 7 एक्टिव केसेस हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो भी शायद हो सकता आने वाले दिनों में उनका इलाज वगैरह होने के बाद वो भी घर वापस हो जाएंगे। इसमें कोई आगे हमारा कोई बड़े नहीं है, जो यानी एक्टिविटी इसमें कोरोना वायरस की ज़्यादा आई नहीं है। ये कारण एक ही हुआ है कि हमने आते ही जो ये सारे अपने बॉर्डर सील कर दिए उसका ये लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला है, और इसमें दो राय भी नहीं है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे जो हमारे इसके सिक्योरिटी के लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है वो दिन रात मेहनत करके इसमें कोशिश की है। पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति आज तो संतोषजनक है, परंतु एक मामला जो मैं समझता हूँ कि जो परिस्थितियाँ कुछ परेशानी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, कि जो आज लगभग 50-60 हज़ार लोग बाहर से आ रहे हैं, खास करके हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको लाने का व्यवस्था की जा रही है, दूसरों की जा रही है, उसमें हमको ढील नहीं बरतनी पड़ेगी। लाना जो है वो हम स्वागत करते हैं उसका, कि आने चाहिए, बेचारे बच्चे काफ़ी दिनों से परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बॉर्डर पर हम किस तरह से क्वारंटाइन करें और किस तरह से उनकी चेकिंग करें। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बड़े सख्ती से उनके साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि उसमें गड़बड़ी अगर एक की भी हो गई तो ये बनी बनाई बात जो है उस हमारी रह जाएगी।